नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 92 में। दोस्तों, जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है, वैसे ही बड़ी तेजी रफ्तार में रिक्तियों का मांग जारी हो चुका है। तो नए वर्ष में आपने देखा था, चुनाव में मुद्दा था, बिल्कुल बहुत ही बड़ा मुद्दा था रोजगार का। ठीक है, रोजगार का मुद्दा पूरा का पूरा छाया रहा था, जिसमें आरजेडी ने, जो महागठबंधन था, उसने देखा था आप लोगों ने कि 10 लाख रिक्तियों, 10 लाख नौकरी का वादा किया था। तो वहीं जो एनडीए गठबंधन था, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, उन्होंने 19 लाख रिक्तियों के बारे में या 19 लाख नौकरियों के बारे में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो देंगे। तो देखिए, उसी को पूरा करने के लिए लगता है सरकार ने एकदम मन बना लिया है और फटाफट अंदाज में नए साल में नौकरियों के लिए जो है एकदम तेजी से सभी विभागों से विज्ञापन मांगा जा रहा है, रिक्तियां मांगी जा रही है या विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आप पूरी की पूरी अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन विभाग में कितने से पद खाली हैं और उस पर कैसे भरे जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य देखिए, सीधी सी बात है, सिर्फ 6 विभागों में अभी 153,887 पद के लिए जो है पद भरे जाएंगे, इसकी सूचना जारी की गई है। अभी देखिए, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि यह 6 विभाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 6 विभाग जो हैं, ये देख लीजिए, स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है कि पंचायती राज विभाग में 1600 पद हैं। पंचायती राज विभाग में जो 1600 पद हैं, उसमें क्या क्या है, देखिए कि 1600 पद जो है कार्यपालक सहायक के खाली हैं। प्रखंड के, यानी कि विभाग में, विभाग ने प्रखंड व पंचायत कार्यालयों के सही तरीके से संचालन के लिए कार्यपालक सहायकों की जो है रिक्ति 1600 पदों को शीघ्र भरने के निर्देश सभी डीएम को दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि राज्य में 83,886 जो है ग्राम पंचायत हैं और 534 जो है प्रखंड मुख्यालय हैं। उनके सफल संचालन के लिए जो विभाग के निर्देशक चंद्रशेखर सिंह हैं, उन्होंने सभी डीएम को पत्र लिख करके बताया है कि अंतिम पैनल बनाया जाए कि कितने पैनल और कहां पर कितने पद खाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो पंचायती राज विभाग बहुत ही अच्छा सा पद है, इसको जो है संभवतः पहले संविदा पर भरा जा रहा था, अभी भी शायद संविदा पर ही भरे जाने की कवायद शुरू होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, दूसरा जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 8,770 पद जो है विज्ञान और जो है प्रौद्योगिकी के खाली है। ठीक है, तो इसके जो मंत्री अभी बने हैं अशोक चौधरी, इन्हें ही मिला है शिक्षा मंत्री का भी प्रभार मिला है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ साथ यह जो है शिक्षा मंत्री भी हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के 2095 यानी 2095 और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1182 पदों को भरने के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजी जा चुकी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में और नन टीचिंग के 3310 और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नन टीचिंग के 183 पदों को भरने के लिए तकनीकी सेवा आयोग को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह 8000 यहां हो गया, यहां आपने 1600 पद देखा था। आगे देखिए, क्या है, राजस्व एवं भूमि सुधार, 2 माह में 5900 कर्मियों की नियुक्तियां। तो यहां इसके जो मंत्री हैं दोस्तों, ये राम सूरत कुमार ने भी राजस्व प्रशासन से जुड़े पदों को भरने की बात कही है। पूरे राज्य में 8000 हल्का कर्मचारियों की बहाली होगी, इनमें 4000 पद भरे जा चुके हैं, 1700 पद जो अमीन की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और 3000 जो है अमीन कार्यभार संभाल चुके हैं। कानूनगों के 200 पदों की बहाली भी चल रही है, अगले दो माह में सभी पद भरे जाने की संभावना है। बहुत ही जबरदस्त नौकरी है दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार, एकदम देखते हुएगा कि कुछ भी छोटा सा भी काम होगा तो पहले जो है इसमें कहा जाता है एक्स्ट्रा पैसे की ही बात होती है हमेशा। ठीक है, तो यह जो नौकरी है आपका, यह समझ लीजिए कि एकदम क्या कहते हैं उसको, एकदम दुधारू गाय वाली होगी। ठीक है, तो देखिए अगला स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, 16500 पदों पर शुरू हुई है नियुक्तियां इसकी। ठीक है, इसकी भी जो नियुक्ति होगी बहुत ही जल्द, आयुष चिकित्सकों के करीब 3300 पदों पर नियुक्ति होनी है और 10000 के करीब नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी, जिसमें 1000 विशेषज्ञ व 2200 के करीब सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। दोबारा बागडोर संभालते ही मंत्री मंगल पांडे ने खाली पदों को भरने के लिए सक्रिय हो चुके हैं, कोई पेच नहीं फंसा तो नए साल में भर्तियां 2021। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उनके लिए तो सीधा समझ लीजिए चांदी ही चांदी होने वाली है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मेहनत करिएगा ईमानदारी से,
तभी जाकर के सरकारी नौकरियों तक आप पहुंच पाएंगे। बिल्कुल इधर उधर के अगर चक्कर में पड़िएगा तो समझ लीजिए पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो लाइफ को बर्बाद नहीं करिए, बचाइए लाइफ को, ठीक है, अपने जीवन को बचाइए। और एक बार अस्थायीकरण नौकरी अगर मिल जाती है, अस्थायी हो जाते हैं, फिर तो चलिए नंबर जो है सो लग जाएगी, लाइन में लग जाएगी लड़कियों की, और जितना मन होगा उतना मजे कीजिए आराम से, ठीक है। चलिए, गृह विभाग दरोगा से स्टेनो तक 12,716 पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। यहाँ भी देख लीजिए, दरोगा की भी भर्ती अभी भी निकाली गई थी, पहले भी 1700 कुछ निकाला गया था, अभी भी लगभग 2000 के आसपास निकाला है। तो कुल मिलाकर के दरोगा और स्टेनो तक की 12,716 पदों की भर्ती जो है प्रक्रियाधीन है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए, बिहार पुलिस के चालक सिपाही के 1722 पद बिहार सैन्य पुलिस के ये जो विशेषकृत इंडिया रिजर्व बटालियन व बिहार राज्य औद्योगिकी सुरक्षा वाहिनी सिपाही के 1415 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, सहायक, जेल अधीक्षक, इन सब का जो है इसका भी 2446 पद, स्टेनो के एसआई के 133 पदों की नियुक्ति होनी है। तो यहाँ देख लीजिए कि दरोगा बनने के लिए भी आपको बहुत ही यहाँ पर मिला हुआ एकदम, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ों को भी आप ढंग से देख सकते हैं। अगर फिजिकल आपका ठीक है, आप फिटनेस एकदम बरकरार बनाए हुए हैं, तो फिटनेस दोस्तों एकदम बहुत ज़रूरी है। अपने गोल, अपने लक्ष्य को पहले बनाइए, अपने एम साधिए, अपने एम बनाइए, फोकस को निर्धारित करते हुए एकदम फटाफट अंदाज में आप एकदम तैयारी को एकदम ठीक है बरकरार रखिए, आने वाले समय आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। तो देखिए, अब शिक्षा विभाग की कुछ बातें हैं। कहता है यह क्या है, प्रोफेसर से प्राइमरी टीचर तक की नियुक्ति जो है होने वाली है, जिसमें 1,08,401 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही डालता है हमेशा। आप अगर बीएड हैं, आप अगर डीएलएड किए हुए हैं, बीएड हो या डीएलएड हो, तो समझ लीजिए आपके लिए यहाँ पर, या आप बीएड के बाद एमएड किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, तो आपके लिए प्रोफेसर की भी स्थान आपको बन सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि लगभग 90,000 शिक्षक जो है प्राइमरी, और जो 90,000 शिक्षक लगभग प्राइमरी में हैं, और उनकी प्रक्रिया जनवरी तक पूरी हो जाएगी, और बाकी लिपिक वगैरह की जो है 13,000 पदों पर बहाली होने वाली है, ठीक है। 4600 प्रोफेसर भी है। तो इन सब को देखते हुए आप अपनी तैयारी को दोस्तों नए आयाम दीजिए, नए रूप दीजिए, और जितनी अधिक से अधिक हो सके मेहनत कीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। जब तक मेहनत करेंगे नहीं, तब तक सफलता मिलेगी नहीं। अगर आप मेहनत ईमानदारी से करते हुएगा तो निश्चित रूप से आपको इस बार सफलता दिलाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक बटन पर एकदम जैसे क्लिक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।